एक्स्ट्रा टाइम। वो रात जब सचिन तेंदुलकर अपना बैट ढूंढने निकले थे। बात है सचिन तेंदुलकर के पहले भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेट दौरे की। साल था 1989, जगह थी पाकिस्तान का सियालकोट शहर। वहां सचिन तेंदुलकर के भाई अजीत तेंदुलकर भी उनके साथ मौजूद थे। अब क्योंकि ये सचिन का पहला दौरा था तो उनको तो कोई खास जानता था नहीं, ना ही उनके पास कोई ढंग के बल्ले थे, ना ही कोई स्पॉन्सरशिप थी। लेकिन पाकिस्तान का जो सियालकोट शहर है वो बैट बनाने के मामले में बहुत मशहूर है, इसलिए सचिन तेंदुलकर अब वहां के एक बैट मेकिंग फैक्ट्री में गए और अपने लिए बल्ले चुनकर वापस होटल आ गए। अब सचिन तेंदुलकर को नींद में चलने की बीमारी है। अब उस रात सचिन तेंदुलकर ने सपना देखा कि उनको एक बैट की जरूरत आन पड़ी है और उनके पास बैट नहीं है, तो इसलिए वो नींद में ही उठकर चलने लगे और अपने होटल से बाहर निकलकर कॉरिडोर से बाहर की तरफ जाने लगे एक बैट ढूंढने के लिए। बगल के रूम में मनिंदर सिंह और रमन लांबा ठहरे हुए थे। उन्होंने जब सचिन को अपने रूम के पास से जाते हुए देखा कॉरिडोर में, तब उन्होंने सचिन को आवाज दी। सचिन जब बिना जवाब दिए आगे चले गए, तब फिर दोनों को लगा कि कुछ तो मामला गड़बड़ है। दोनों दौड़ के सचिन के पास पहुंचे और फिर ये महसूस किया कि अरे ये तो नींद में चल रहा है। फिर दोनों ने सचिन तेंदुलकर का हाथ पकड़ा और उसको वापस उसके रूम तक ले गए और अपने बिस्तर पर ले जाके सुला दिया। बड़े बड़े बॉलर्स की नींद खराब करने वाले सचिन तेंदुलकर खुद नींद में चलते हैं। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.